बालोद मुख्यालय स्थित ग्राम पारास वार्ड क्रमांक एक में नालियों में भरी गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई न होने के कारण वार्डवासी परेशान हैं। नाली के रुके हुए पानी से आसपास के लोगों को संक्रमित होने की संभावना बढ़ गई है। बालोद मुख्यालय स्थित ग्राम पारास वार्ड क्रमांक एक में नगर पालिका द्वारा नालियों और कूड़े कचरे की सफाई न होने के कारण वार्डवासी परेशान हैं। नालियों में भरी गंदगी, कूड़े और कचरे के बदबू से आसपास के रहने वाले लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। नालियों में गंदा पानी रुक जाने से वहां बदबू फैलने लगी है। वार्ड क्रमांक एक के पार्षद लेखराम सहिरो ने बताया कि वार्ड में सफाई को लेकर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर जल्द से जल्द इसकी सफाई ना की गई तो बीमारियों का संक्रमण बढ़ सकता है, जिससे वार्डवासी बीमार पड़ सकते हैं। क्या है, अपन कई बार नगर पालिका से सहायता तो मांगते ही मांगते हैं। हमने कई बार अपने वार्ड के आसपास के जो निवासी रहते हैं उनके सहयोग से भी कभी कभी सफाई व्यवस्था मतलब सुचारू रहे ऐसा काम भी किए हैं। जैसे कि नाली वगैरह जाम, उसका तो हमने कभी ये नहीं किया कि पालिका के द्वारा ही उसको साफ किया जाएगा, और बाकी ऐसे ही कूड़ा करकट है उसको कभी कभी हम लोग साफ भी करवाते हैं वार्डवासी के सहयोग से।